पुलिस थाना बहरोड सदर ने फायरिंग की झूठी सूचना देने के आरोपी को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी बहरोड सदर में जाप्ते के फायरिंग की झूठी सूचना देने वालों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करते हुए पिता पुत्र को गिरफ्तार किया है। घटना का विवरण के अनुसार कंट्रोल रूम भिवाड़ी से सूचना प्राप्त हुई कि गाँव सरबिंदापुरा तलवाड़ थाना बहरोड सदर क्षेत्र में फायरिंग हो गई है। सूचना पर वृत्ताधिकारी राव अनंत व्रत बहरोड के मैप थाना प्रभारी जयपाल एएसआई मैं जापता थाना बहरोड सदर व थाना बहरोड से प्रदीप कुमार उप निरीक्षक मैं जापता की सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुंचे, जहां मौके पर गांव सरबिंदपुरा में सूचनाकर्ता योगेश शर्मा पुत्र सुभाष चंद्र निवासी सरबिंदपुरा व उसके पिता सुभाष चंद्र शर्मा पुत्र मनोहर लाल शर्मा निवासी सरबिंदपुरा थाना पहरोड सदर गांव में मौजूद मिले, जिनसे घटना की जानकारी की गई तो योगेश शर्मा उसके पिता सुभाष शर्मा ने बताया कि कल हमारी औरतों की आपस में खेत पर पानी भरने की बात को लेकर विवाद हो गया था। इस घटना को लेकर आज अंकित पुत्र पवन कुमार निवासी सरबिंदपुरा सुभाष ने बताया कि जो मेरे चाचा का पोता है जो अकेला घर पर आया, जिसके हाथ में हथियार नुमा वस्तु थी जिसे हमें दिखाया, जिस पर मैंने उसको थप्पड़ मारकर भगा दिया। अंकित ने मौके पर किसी प्रकार की कोई फायरिंग नहीं की, ना ही फायरिंग जैसी कोई घटना घटित है। ये हमारे आपसी घर का मामला है। मेरे घर योगेश ने 100 नंबर पर पुलिस को झूठी सूचना दी है और योगेश उस समय मौजूद भी नहीं था। सूचनाकर्ता योगेश व उसके पिता सुभाष से रिपोर्ट चाहिए तो रिपोर्ट देने से मना कर दिया। मौके पर मौजूद अन्य लोगों ने भी फायरिंग की कोई घटना होना नहीं बताया तथा सुभाष द्वारा दी गई अंकित के थप्पड़ मारना बताया है। मामला आपसी परिवार में औरतों के झगड़े का था। घटना की सूचना पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। सूचना झूठी पाई जाने पर तथा क्षेत्र में अशांति पैदा कर पुलिस को गुमराह किया गया, जिस पर पुलिस ने मौके पर ही पिता पुत्र को हिरासत में लिया।